इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने वाली है। इसके लिए शिवरायन धाम में नवरात्रि पर्व में दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। नगर में अलग अलग थीम पर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं इस बार शिवरायन के मेला ग्राउंड में बाहुबली के माहिष्मती समाज के तर्ज पर 75 फीट ऊँचे और 80 फीट चौड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 21 फीट ऊँची माँ अम्बे विराजमान होंगी। इसके साथ ही 10 फीट भगवान शंकर और 10 फीट नरसिंह भगवान की प्रतिमा भी विराजमान होंगी। मैं प्रीतम सोनी, वर्षा डेकोरेशन एंड टेंट हाउस का संचालक। ये हमारे जो कारीगर हैं वो हमने कलकत्ता से पूरे कारीगर बुलाए हैं और लगभग तैयारी लगभग 45 दिन से तैयारियां चल रही हैं और बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। जिस तरह का उत्साह और उमंग नगरवासी दिखा रहे हैं, जैसे कि जो भी यहां घूमने आते हैं वो एक बार यहां पंडाल देखने ज़रूर आ रहे हैं कि कैसा डेकोरेशन हो रहा है। तो जिस हिसाब से उत्साह और उमंग पूरे नगर में फैला हुआ है, हम चाहते हैं कि जितने दर्शक जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी एक बार दर्शन करने ज़रूर आएँ। इस पंडाल में जो स्वागत द्वार बन रहा है उसकी हाइट लगभग 75 फीट है और चौड़ाई 80 फीट है, और जो अंदर का पंडाल है वो लगभग 175 फीट का बन रहा है, जिसमें 80 फीट का स्टेज है। हम इसमें भव्य लाइटिंग करने वाले हैं। लगभग 60 झूमर का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें लाइटिंग करने के लिए, और साउंड वगैरह भी बहुत अच्छी होने वाली है। हमारे शिवरायन नगर में भव्य आकर्षक पंडाल, जो माँ दुर्गा जी की जो नवरात्र का जो पावन पर्व होता है उसे लेकर के यहाँ पर बहुत ही बड़े पंडाल जो बनाया जा रहा है। बंगाल के जो कारीगर हैं वो सबसे बड़े टेंट को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जैसे 75 फीट की भव्य स्वागत द्वार है, जो कि बाहुबली फिल्म में जो हमने देखे थे महिष्मती दरबार जिसे कहते थे, वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। भव्य आकर्षक पंडाल है। वहीं जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे भड़गांव के जो मूर्तिकार हैं गिरधारी देवांगन एवं उनकी टीम के द्वारा माता रानी श्री दुर्गा देवी जी की 21 फीट की प्रतिमा, भगवान श्री नरसिंहनाथ और भगवान श्री शंकर जी की 10-10 फीट की प्रतिमा, वहीं माँ दुर्गा देवी जी की 4.5 फीट की प्रतिमा एक और अलग से यहाँ पर बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी मनमोहक और आकर्षक नज़र आएगा। वहीं जैसे कि मुझे यहाँ जानकारी मिला तो बताया गया कि जो मूर्तिकार जो है वो यहाँ पर पहली बार मूर्ति बनाने के काम कर रहा है। यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा। मेरे साथ में मेरे मरकड़ा गांव जो कि बलौदाबाजार ज़िले में होता है, यहाँ के मेरे दोस्त लोग आए थे, चलो भैया ये जो पंडाल बना है उसको देखना है करके, तो हम देखने आए थे। हमें बहुत ही अच्छा लगा और जैसे कि हमें जानकारी मिली, मीडिया की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी, हमें काफ़ी आनंद आया। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो सुपर जो गायक है, सुपर कलाकार कह सकते हैं, रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे श्री सुनील सोनी जी नाइट्स कार्यक्रम के द्वारा, जो नवरात्रि में हमको देखने को मिलेगा। तो आप सभी श्रद्धालु बंधुओं से, हमारे माताओं बहनों नारी शक्तियों से भी हम निवेदन करेंगे, नवरात्र के पावन पर्व में शिवरायन आएँ और माता रानी के दरबार में अपनी मन्नत पूरी कराएं, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये भी हमारे लिए कि यह कार्यक्रम शिवरायन के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऐसे आयोजनकर्ताओं को मैं हमारे तरफ से हम तहे दिल से बधाई देते हैं।